हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होने वाला है। इस चुनाव से पहले भाजपा की स्थिति 2014 और 2019 के चुनाव के मुकाबले कमजोर मानी जा रही है, लेकिन पार्टी अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है कि बिगड़े हुए समीकरणों को साधा जा सके। इसी के तहत भाजपा ने प्लान 12 तैयार किया। इसके तहत दक्षिण हरियाणा की 12 विधानसभा सीटों को टारगेट किया जा रहा है। इसे अहिरावल बेल्ट कहा जा रहा है और यहाँ जाटों की संख्या प्रदेश के अन्य हिस्सों के मुकाबले थोड़ी कम है। भाजपा इन सीटों पर खास फोकस कर रही है ताकि यहाँ की सफलता के अन्य हिस्सों में यदि झटका लगे तो उसे बैलेंस किया जा सके। इसके लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लगाया, वहीं खुद यहाँ चुनाव की रणनीति बना रहे हैं और प्रचार के प्रभारी भी हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि यादव समाज के बड़े नेता राव इंद्रजीत को अहिरावल बेल्ट का फ्री हैंड दिया गया है और कहा गया कि वो अपने स्तर पर रणनीति तैयार करें। इसी बेल्ट की अटेली सीट के राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव भी चुनाव में उतरी हैं। कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत की सिफारिश पर ही इस इलाके में टिकट वितरण किया गया, वहां यही प्रभारी हैं और इस सीट पर प्रचार की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि एक चिंता ये भी जताई जा रही है कि राव इंद्रजीत का फोकस अपनी बेटी की अटेली सीट पर ज़्यादा है। जाट बेल्ट की काट के लिए भाजपा ने बनाया प्लान। दरअसल कि दक्षिण हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र है जहां यादवों की अच्छी खासी संख्या है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, अटेली, महेंद्रगढ़ जैसे इलाकों की सीटें यादव बहुल हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों की भी अच्छी खासी संख्या है। जाटों की संख्या इस बेल्ट में पानीपत, सोनीपत, इज्जर, कैथल, रोहतक, सिरसा और हिसार जैसी नहीं है। जाट समुदाय के बीच भाजपा से नाराजगी दिख रही है। ऐसे में पार्टी को लगता है कि उन इलाकों में ज़्यादा फोकस किया जाए जहां गैर जाट आबादी अधिक है। इसी रणनीति के तहत पार्टी एक तरफ साउथ हरियाणा पर फोकस कर रही है तो वहीं उत्तर हरियाणा में करनाल, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र से भी भाजपा को उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि भाजपा का ये प्लान 12 सफल हो पाएगा और क्या फिर से हरियाणा में भाजपा की सरकार आएगी या फिर कोई नई पार्टी दाव खेल जाएगी। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।